इटुवल इंटरनेशनल स्कूल भावगढ़ में आवश्यकता है अनुभवी शिक्षिकाओं की। कक्षा पीजी से पांचवी तक। स्थान बाईपास चौराहा भावगढ़। योग्यता एजुकेशन किसी भी विषय में। शिक्षण अनुभव कम से कम एक वर्ष का होना जरूरी। वेतन योग्यता अनुसार। आना जाना विद्यालय के स्वयं के वाहन से होगा। संपर्क सूत्र 9007799581313110052। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात में शामिल दो नाबालिग सहित पांच गिरफ्तार। हसनपालिया में मालवा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर दिनांक 14 अगस्त 2021 को लूट हो गई थी, जिसमें पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास से रुपयों ले गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने लूट वारदात पर प्रकरण दर्ज किया था और मामले की छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और उसके आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले पर दो नाबालिग सहित तीन को गिरफ्तार किया है। लूट की योजना का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाला नाबालिग युवक था, जिसने लूट की योजना बनाई। पुलिस ने इस मामले में पांच को गिरफ्तार किया है। दिनांक 14 अगस्त 2021 की रात को हसनपालिया में मालवा फिलिंग पेट्रोल पंप है, वहां पर एक घटना घटित हुई थी लूट की, जिसमें फरियादी मोहनलाल, पिता सोहनलाल पंचाल है, सैलाना का रहने वाला, ये वहाँ पर काम करता था। उसने सूचना दी कि साहब पेट्रोल पंप लूट गया और वहाँ पर गल्ले में रखे हुए 86,990 रुपये जो बदमाश थे वो छीन के ले गए। उसकी रिपोर्ट लिखी गई और रिपोर्ट लिखने के बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पेट्रोल पंप के पीछे एक नाबालिग बालक जो है वो रहता था, उसने पूरी योजना बनाई थी और उसने अपने अन्य चार साथियों को फ़ोन करके बुला लिया था, क्योंकि उसने दिन में रेकी कर ली थी कि ये जो पांचाल है मोहनलाल ये अकेला है और यहाँ पर घटना घटित कर सकते हैं। तो इसने अपने चार दोस्त जो हैं उनको बुलाया, उसमें से भी एक नाबालिग है और तीन बालिग हैं, उसमें से तीनों के नाम एक फणीलाल है, एक धनपाल है और एक बहादुर है। ये सब आए, इन्होंने पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर रात में ही लूट की योजना बनाई और लूट की योजना बनाने के बाद में ये पेट्रोल पंप पे लूट करने के लिए गए। अपने एक साथी को, एक नाबालिग साथी को इन्होंने दूर खड़ा कर दिया ताकि वो कोई आए तो वो उनको मैसेज कर सके। तो उन्होंने, चार लोगों ने ये लूट की घटना को अंजाम दिया और उसमें से पैसे लूट के भाग गए। चूँकि सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें चार लोग दिख रहे थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला, पकड़ाने के बाद में, ये पांच लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। दो जो विधि के विरोध में बालक हैं इनको बाल न्यायालय पेश किया गया है और तीन आरोपी जो हैं इनको यहाँ माननीय न्यायालय में पेश किया गया, उनका पीआर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। किन गतिविधियों के लोग हैं, पूर्व में भी कोई मामले इन पर दर्ज हैं? नहीं, पूर्व में इन पर कोई मामले दर्ज नहीं है, क्योंकि दो तो इसमें विधि के विरोध में हैं, नाबालिग हैं, और तीन लोग हैं वो भी उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, एक 24 साल का है और एक 18 साल और एक 19 साल का है। ये नए नए लड़के हैं और इन्होंने ये घटना घटित की है।